प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी ने मऊ में संयुक्त रैली का आयोजन किया। इस दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामधारी दिनकर ने कहा कि बहुजन समाज की पार्टियां अपने समाज की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, इसलिए ऐसी पार्टियों ने हमसे डरकर गठबंधन किया है। अगर हमारी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे और हमारा जो एजेंडा है उस पर काम करने वाले और विचारधारा पर काम करने वाले लोग हमको सपोर्ट करेंगे तो हम भी गठबंधन करेंगे। और से क्योंकि 85% का जो समाज है अभी तक वो अधिकार वंचित सम्मान वंचित रहा है, तो इस देश में जिनको अभी तक अधिकार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उनका हक अधिकार नहीं मिला और वो प्रताड़ित है, वो उनका शोषण हो रहा है, तो ऐसे जो लोग हैं किस तरीके उनके, दिलाने की बात हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं किस तरीके? जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। अब उनको लगा कि ये समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कर दिया तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये आएंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी अपना उनका वोट डाइवर्ट हमारे तरफ हो रहा था, उनके सपोर्टर हमारे तरफ डाइवर्ट हो रहे थे, वो लोग हमारे तरफ काम करने लगे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, इसलिए हताशा में डर में ऐसा।